हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकादमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्यूबॉइड। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं क्यूबॉइड किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हमने टॉपिक के ऊपर पहुंच चुके हैं जिसमें कि हमें डिस्कस करना है क्यूबॉइड। तो मैं आपसे बता दूं क्यूबॉइड किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा 3D शेप जो क्या हो, 6 रेक्टेंगुलर शीट से मिलके बना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो क्यूबॉइड को समझने के लिए अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं बाहर खड़े होकर देख रहे हैं वीडियो, तो आप जल्दी से घर में जाके बैठ जाइए और ताकि वहां पे बैठ के समझने में बहुत ही मजे आएगा और बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि मान लीजिए आप घर के अंदर एंटर कर गए और घर के अंदर एंटर करके आप यहाँ पे कहीं बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे बैठ गए। तो देखिए, ये आपके जो सामने वाला जो लाइन दिख रहा है, आप अपने घर के जहां बैठे हैं ना उसके सामने देखिए, नीचे जो बॉटम का जो लाइन है वो क्या होता है, वो लेंथ होता है, ठीक है। और जो इसके दूसरा जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रेड्थ बोलते हैं, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप सीधे ऊपर की तरफ देखिए, वहां पे क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाइए तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जहां भी जिस घर में आप बैठे होंगे वहां के क्या होगा, चार कॉर्नर होंगे, यानी कि जो चारों ये जितने ये हाइट होंगे वो तो सारे सेम ही होंगे, तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच होगा, यानी कि चारों जो खंभे हैं उस घर का वो सारे क्या है, एच हाइट हो गया, ठीक है। और देखिए, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, इसके ऊपर भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगा, और इसके सामने ये है ब्रेड्थ तो ये भी ब्रेड्थ, ये नीचे वाला भी ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल वे में लेंथ ब्रेड्थ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो केस आता है वो आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यानी कि जब भी आपने इस क्यूबॉइड का अगर आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सो आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले को पुट आउट करना है और वहां से बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, क्यूबॉइड का टोटल सर्फेस एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमने समझ चुके हैं कि लेंथ ब्रेथ को समझ चुके हैं, और हमें ये भी पता है कि क्यूबॉइडल शेप तभी बनता है जब हम क्या करते हैं, 6 रेक्टेंगुलर शेप को क्या करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, एक हमारे पास क्यूबॉइड बन के चला आता है। या तो आप माचिस के डब्बे ले लीजिए, उसको ठीक से देख लीजिए, आप देखेंगे तो उसमें 6 सर्फेसेस होंगे, ठीक है। और बड़े ही सिंपल वे में इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भी कभी भी आपके पास क्यूबॉइडल शेप कहीं देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, 6 रेक्टेंगुलर शीट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एरिया की बात आती है वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, तो मान लीजिए देखिए, हमारे पास फर्स्ट जो सीट है, फ्रंटेड जो सीट है वन है, और इसके पीछे भी वन है, तो जो फ्रंटेड का एरिया होगा वो पीछे का भी एरिया होगा। यानी ये देखिए, ये एल है और ये इसका एच है, इस रेक्टेंगल का एच है, यानी जो इस वाले रेक्टेंगल का जो क्या है हाइट है वो क्या हो जाएगा, इसका ब्रेथ हो जाएगा। तो आपने जब एरिया निकालोगे इसका तो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, एक तो हो जाएगा एल इंटू एच, प्लस इसके जो पीछे बैक साइड में है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी एल इंटू एच हो जाएगा, एल इंटू एच प्लस। अब देखिए, यहां का जब आप एरिया निकालिएगा इस ये फ्रंटेड साइड का, इस साइड वाले पोर्शन का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू एच, यानी देखिए ये बेस है यहाँ पे, और ये कितना है हमारे पास, ये पूरा बेस है और ये इसका लेंथ हो जाएगा एच, यानी ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसका एरिया आएगा वो आएगा एच इंटू बी आ जाएगा, और इसके सेम यहाँ सामने देखिए इस साइड में भी क्या होगा, सेम ही एरिया होगा, प्लस एच इंटू बी हो जाएगा सिंपल से। और देखिए, अब बच गया हमारे पास ऊपर और टॉप और बॉटम। अगर आप टॉप का एरिया निकालना चाहते हैं तो ये देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा बी, और ये इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल क्या कीजिए, एल इंटू बी प्लस एक नीचे का, एक तो टॉप का हो गया एल इंटू बी ये वाला पोर्शन का, और नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये कितना हो जाएगा, टू एल एच हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, एच इंटू बी एच इंटू बी, ये कितना हो जाएगा, टू बी एच लिख सकते हैं हम इसको,
टू इंटू बी एच, टू इंटू बी एच हम लिख सकते हैं, प्लस ये देखिए एल बी प्लस एल बी, ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन, कितना टू हो जाएगा, यानी कि टू एल बी हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, हम सब में से टू को कॉमन कर लेते हैं, टू सब में कॉमन है, टू कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहां से बड़े ही सिंपल और इजी वे में क्या कर सकते हैं, एरिया को समझ सकते हैं और एरिया को निकाल भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये रहा इसका प्रूफ, यानी छह रेक्टेंगुलर शेप से मिलकर बना हुआ है, तो छह रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां से क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बड़े ही सिंपल और साधारण वे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और इसको एक एग्जाम्पल के भी माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो क्यूबॉइड है, इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए हमारे पास कितना है, 20 है, और जो ब्रेथ है वो इसका है 10 मीटर, 20 मीटर 10 मीटर, और जो इसका हाइट है वो कितना है, हाइट भी कितना है 10 मीटर है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यानी देखिए हमारे पास L दे रखा है 20 मीटर, और हमारे पास जो B दे रखा है वो 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, और जो हाइट है वो दे रखा है हमारे पास 10 मीटर, यानी हाइट और ब्रेथ क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सीधा सिंपल से फॉर्मूला यूज करेंगे, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फॉर्मूला में डाल दीजिए। देखिए एल कितना है हमारे पास, 20 है, टू इंटू ब्रेथ 10 प्लस बी इंटू एच, बी हमारे पास कितना है 10 है, एच कितना है 10 है, प्लस एल इंटू एच, एल कितना है 20, एच कितना है 10, इन सबको मल्टीप्लाई कर प्लस कर दीजिए, पहले इधर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 इंटू 10 यू गेट हेयर 200, और ये 10 इंटू 10 यू गेट हेयर 100, प्लस 20 इंटू 10 यू गेट 200। अब यहां से देखिए 200 आ गया, अब इन दोनों को सम कर लीजिए सबको, ये देखिए 2 इंटू 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 100 यानी 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वेयर। तो आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया आया इसका, इस क्यूबॉइड का, वो कितना आया, 1000 मीटर स्क्वेयर। तो ऐसे हम बड़े ही सिंपल और इजी वे में क्या कर सकते हैं, क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे। जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको एक क्यूबॉइडल शेप दे दिया जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस क्यूबॉइडल शेप का क्या कीजिए, आप चारों साइड का एरिया निकाल के दिखाइए, यानी कि ये चारों साइड्स टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, बस खाली चारों साइड्स का एरिया निकाल के दिखाना है। यानी कि आपने घर बनते हुए देखा ही होगा, घर जब बनता है तो क्या होता है, नीचे भी फर्श नहीं होता, फिर फर्श नहीं खाली मिट्टी होता है और ऊपर खाली होता है। तो आपसे कहा जाए कि इन चारों दीवारों की एरिया निकाल के दिखाइए, यानी एरिया फोर वॉल, या आपसे कह दिया जाएगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को निकाल के दिखाइए। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझने के लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, उसको यूज कीजिए, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस चीज को यूज करके आप बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, उसका लेटरल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अब इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, अब बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इसका एरिया को निकाल सकते हैं, यानी एरिया फोर वॉल को। अब हम समझ लेते हैं कि ये एरिया फोर वॉल जो है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा रूल है, ये देखिए ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, हमें चार दीवारों का ही चाहिए, तो पहले तो हम फ्रंटेड दीवार का एरिया निकाल लेंगे। तो फ्रंटेड दीवार का निकालेंगे कितना हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा। ये देखिए ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका लेंथ हो गया एल, और एच क्या है यहाँ पे, ब्रेथ है। तो इसका जो एरिया होगा एल इंटू एच प्लस इसके जो पीछे है, सीधे एकदम डायरेक्ट देखिए अपने दीवार के दूसरे पीछे तरफ देखिएगा, ये भी कितना हो जाएगा L इंटू एच हो जाएगा, प्लस ये देखिए दूसरे साइड में या तीसरे साइड में ये वाला, इस साइड का जब एरिया निकालिएगा तो ये देखिए H है इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है B है, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू एच प्लस, अब इसके एकदम बिल्कुल फ्रंट में देखिए ये इस वाले जब सरफेस के एरिया निकालेंगे तो ये भी सेम होगा, यानी B इंटू एच होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए L इंटू एच प्लस L इंटू एच कितना हो जाएगा, टू L इंटू एच हो जाएगा प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये कितना हो जाएगा, टू बी इंटू एच हो जाएगा, बड़े सिंपल वे में।
ठीक है। अब यहां से टू कॉमन कर लीजिए, तो यहां से टू कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, और इसको एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा टू इंटू एल प्लस बी एच, इधर से कॉमन कर लीजिए, दोनों में कॉमन है तो इंटू एच, यानी कि जब भी हमने एरिया ऑफ फोर वॉल निकालना है तो अपने सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला को यूज करना है, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये एरिया फोर वॉल के लिए यह फॉर्मूला है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप फाइव वॉल के निकाल के दिखाइए, तो फाइव वॉल या सीलिंग इंक्लूड है तो सीलिंग के लिए ये ऊपर वाला एरिया एल इंटू बी इसमें क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए, वहां से आपको बड़े ही सिंपल वे में क्या मिल जाएगा, पांचों सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको बड़े ही सिंपल वे में हम सॉर्ट आउट कर सके। मान लीजिए ये आपके पास एक घर है जिसका जो लेंथ है वो है हमारे पास 20 मीटर और जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 15 मीटर और जो हाइट है वो है 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि इस जो घर है इसका आप क्या कीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि एरिया निकालिए, एरिया ऑफ फोर वॉल निकालने के बोला जाए, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो आप बड़े ही सिंपल वे में आप क्या कीजिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू एल कितना है आपके पास, यहाँ पे 20 है, प्लस कर दीजिए ब्रेथ को, ब्रेथ कितना है 15 है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, ये देखिए हाइट आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 20 प्लस 15 यू गेट हेयर 35, 35 इंटू 5 ये हो गया 35 इंटू 5, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 350, यानी कि आया 305 मीटर स्क्वेयर, यानी जब भी आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा, यानी एरिया फोर वॉल कहेगा या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कहेगा क्यूबॉइडल शेप का, तो ये सिंपल सा और साधारण सा फॉर्मूला को यूज कीजिए जो कि है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, बड़े ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है। अब जो इसका अगला है वो है हमारे पास कुछ इस प्रकार, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक टैंक है जो कि क्या है क्यूबॉइडल शेप में है और जिसमें क्या है वाटर पूरा फिलअप है, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें वाटर कितना कंटेन कर रहा है या कितना वाटर है, तो उसको निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो है आपने करना क्या है एल बी एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच, उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां से क्या आ जाएगा कि कितना उसमें वाटर कंटेन कर रहा है, बड़े ही सिंपल और साधारण से आ जाएगा। यानी कि जब भी आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है कितना उसमें वाटर कंटेन करेगा या कितना उसकी धारिता है, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि ये हमारे एल, ये बी, ये एच, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा कि इसमें कितना वाटर कंटेन कर रहा है, या किसी घर में निकालना चाहते हैं कि कितना इसमें एयर कंटेन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला की यूज कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, बड़े ही सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कीजिए और बड़े ही साधारण तरीके से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ इसमें एग्जांपल आता है या फिर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लीजिए आपको एक टैंक दिया होगा जिसका लेंथ है 20 मीटर और उसका ब्रेथ है 10 मीटर और उसका जो हाइट है उस टैंक का वो है 30 मीटर। तो आपसे कहा जाए कि इस जो ये टैंक दिख रहा है इसमें कितना वाटर कंटेन कर रहा है या कितना इसमें इसका वॉल्यूम है, तो उसको निकालने के लिए सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, एल कितना है 20 और ब्रेथ कितना है 10 और हाइट कितना है 30, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 6000, यानी कि 6000 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, बड़े ही सिंपल वे में। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया है। अब जो इसका अगला टॉपिक है वो है हमारे पास, मान लीजिए आपको एक क्यूबॉइडल शेप का एक घर में आप बैठे हुए हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इस रूम में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कितना बड़ा रखा जा सकता है, तो आप सोचने पड़ जाएंगे ओ कैसे रखें कैसे रखें। हाँ, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है कि इसमें कितना बड़ा रॉड रखा जा सकता है, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमने सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज करना है जो कि है हमारे पास कुछ इस प्रकार, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
अब देखिए, जब भी आपने लॉन्गेस्ट रॉड रखना है किसी घर के अंदर या किसी रूम के अंदर, तो आप इसके टॉप वाले कॉर्नर को देखिए और बॉटम को, ये अल्टरनेटिव, यहां से इन दोनों को यहां से लेके यहां तक ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक लंबा सा रॉड को रख सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, सिंपल सा डायगोनल हो जाता है। यानी कि जब भी आपसे कभी कोई पूछा जाए कि कोई क्यूबॉइडल शेप आपको दिया गया है और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है, तो उसका आप डायगोनल निकाल के दिखाइए। तो डायगोनल के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज करना है, जो कि है हमारे पास कुछ इस प्रकार। ये है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वंस मोर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला पुटअप करना है और बहुत ही सिंपल वे में क्या करना है, इसका डायगोनल निकाल के दिखा देना है। तो आइए हम समझते हैं कि डायगोनल कैसे आया, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि पहले समझ लेते हैं कि इसका डायगोनल क्यों हम ये लिखते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यों होता है। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसका क्या है, लेंथ एल है और जिसका ब्रेथ क्या है, बी है, ठीक है। और जो बेचारा इसका हाइट है वो क्या है, एच है, ठीक है। तो ये भी एच हो जाएगा। तो आपने सिंपल और साधारण से क्या करना है, इसमें पहले क्या करना है, ये जो नीचे वाला जो आपको ये दिख रहा है, नीचे वाला सरफेस, इसका क्या करना है, आपने ये ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप देख पा रहे हो कि ये क्या हो जा रहा है, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ये देखिए आप देखेंगे तो। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे वाला ट्रायंगल को, ठीक है। अब देखिए, अब ये आ गया हमारे पास बेस आ गया। अगर आपने ये वाला लाइन निकालना है तो ये देखिए इस ट्रायंगल में, अगर देखे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में, ये कुछ इस प्रकार और कुछ ये वाला ट्रायंगल, ये इसका मैं नाम लेते ए बी सी डी, ठीक है। तो अब आप इन ट्रायंगल, अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी में, तो आपके पास जो ए डी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस हम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि आपके पास पता है, एच रूट अंडर एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ए डी निकाल लेंगे, जो ए डी होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर कितना है, एच है यहाँ पे, तो एच का स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये बेस आ गया इस ट्राइंगल का। तो बेस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर लिख देंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे हमारे पास। तो ये देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारे पास जो डायगोनल आएगा इसका, वो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस, ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जो आपके पास जो ये डायगोनल आया वो कितना आएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, डायगोनल को निकाल सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक आपके पास क्यूबॉइडल शेप का एक क्या है, क्यूबॉइडल शेप का रूम है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कितना सेंटीमीटर का या मीटर का रखा जा सकता है। तो मान लीजिए ये आपके पास जो रूम है वो है 20 मीटर का क्या है, लंबा है, और 30 मीटर का क्या है, हाइट है इसका, और 10 मीटर का क्या है, इसका ब्रेथ है। तो इसमें लॉन्गेस्ट रॉड निकालने के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास ब्रेथ है वो है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी हाइट कितना 30 है, 30 का स्क्वायर, और इसमें थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 400 प्लस 100 प्लस 900। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व कीजिएगा तो वो आपके पास आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार, रूट अंडर 1400 आ जाएगा हमारे पास ये सॉल्व करके। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10√14, यानी कि जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट रॉड रखा जाएगा वो 10√14 मीटर का सबसे लॉन्गेस्ट रॉड इसमें पुटअप किया जा सकता है, यानी इस घर में रखा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।